दोस्तों नमस्ते, ऋतु रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर से बथुआ का साग, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ 200 ग्राम अमूल पनीर है जिसको हम काट लिए, और 100 ग्राम काजू बादाम है। दोस्तों 100 ग्राम हरी मटर है, एक टमाटर, थोड़ा लहसुन, थोड़ा अदरक। दोस्तों यहाँ है बथुआ का साग आधा किलो, जिसको हम साफ करके धो लिए। दोस्तों साग को हमने बारीक काट लिया है। दोस्तों यहाँ आधे लीटर पानी उबल रहा है, और इस पानी में देंगे इस बथुआ साग को। दोस्तों इसे ढक देंगे ताकि ये जल्दी से उबल जाए। दोस्तों बस उबल आए तभी अब इसको गैस को बंद कीजिए। पानी को छाक लेंगे। दोस्तों इसमें हम फ्रिज का ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये पकना बंद करे। इसका पेस्ट बनाना है इसलिए इस टाइम ठंडा पानी से इसको पूरा ठंडा करेंगे। दोस्तों थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी मिलाकर पनीर में लगाएंगे। दोस्तों ये 100 ग्राम तेल है और गरम है, और ये रिफाइंड तेल है, तो पनीर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। दोस्तों पनीर फ्राई हो चुका है, बस एक मिनट तक ही करना है, ज़्यादा मत कीजिएगा। दोस्तों ये मटर है, और मटर को भी फ्राई करेंगे, तो एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी नमक के साथ डालिए और कवर कर दीजिए, ये से ही चटकता है। दोस्तों 4 लौंग है, और एक टुकड़ा दालचीनी, 2 इलायची, हरी इलायची क्रश करके डालें। दोस्तों अदरक लहसुन पेस्ट और टमाटर प्यूरी। तीस सेकंड तक भूनेंगे इसको। दोस्तों टमाटर प्यूरी डालेंगे। अच्छे से इसे भी 30 मिनट तक भूनेंगे। दोस्तों डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। दोस्तों 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये। दोस्तों अब डालेंगे काजू का पेस्ट, 100 ग्राम काजू का जो हमने पेस्ट बनाया है वो डालेंगे। दोस्तों इसको धोकर थोड़ा पानी डाल दिए ताकि ये नीचे से जल जाए। दोस्तों डालेंगे 4 हरी मिर्च, और मसाला को अच्छे से पकाएंगे, थोड़ा पानी दिए ताकि जल ना जाए, और मसाला अभी अच्छे से पकेंगे, क्योंकि प्योरी डालने के बाद तो हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, इसलिए पहले से मसाला को अच्छे से भूनेंगे। दोस्तों ये है बथुआ का प्योरी, सिलबट्टे में पीस पीस के प्योरी बना दी, अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों हमने मसाला में अच्छे से मिला लिया प्यूरी को। दोस्तों अब हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि ये पहले हुए उबला हुआ है, फिर पेस्ट बनाया हमने, इसलिए ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे इसे। इसे गर्म पानी डाला हो तो आप भी जब बनाएं गर्म पानी ही डालें। तो दोस्तों पहले से मटर फ्राई किया हुआ और पनीर फ्राई किया हुआ इसमें डालेंगे हम, और डालने के बाद सिर्फ 30 सेकेंड तक ही पकाएंगे। दोस्तों ये बन के रेडी है, गैस को बंद कर देंगे। दोस्तों अब हम थोड़ा सा इसका तड़का लगाएंगे, तो तड़के के लिए ये थोड़ा सा घी गरम करेंगे। दोस्तों बस थोड़ा सा जीरा है, थोड़ा सा मेथी डालना, और 3 सूखे मिर्ची को तोड़ के डालेंगे। तो पहले हम इसे डाल देंगे, ध्यान रखिए। दोस्तों अब ये तड़का जाएगा इसका ऊपर। दोस्तों हमारा ये पनीर रेसिपी बहुत टेस्टी है, तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों
दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। दोस्तों आधे किलो बथुआ साग का इस तरीके से दो कटोरी सब्जी बना है, तो पूरे परिवार आप आराम से खा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों ये रोटी चावल पराठा के साथ खा सकते हैं, लेकिन स्वादिष्ट बहुत है। बाय बाय दोस्तों।